तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द व्हाट कंट्रोल यूनिट। ये किसका पार्ट है? आपका कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। मीन्स अभी मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल यूनिट सर्किट। मीन्स कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते थे, हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करने के दो मेथड थे, मैंने बता रखे थे। इफ यू टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, देर आर टू मेथड टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। जिसके दो मेथड कौन कौन से थे आपके? फर्स्ट क्या था आपका? हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। एंड वॉट अबाउट द सेकेंड इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सेकेंड इज वॉट? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। देर आर टू मेथड टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। इन दोनों मेथड के बारे में ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से रिफर कर सकते हो। दोनों के थ्रू क्या करोगे? यू हैव टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो जो आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग और एक क्या आपका? वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। इन दोनों के बारे में देखते हैं आज के लेक्चर में, ध्यान रखना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखो क्या लिखा है। द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप बेस ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोल वर्ड स्टोर इन द कंट्रोल मेमोरी, राइट। इसके दो टाइप कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, सेकेंड इज वॉट? वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। देयर आर टू मेथड, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये किसके पार्ट है आपके? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है आपका? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बारे में। इसमें क्या होता है आपका? द कंट्रोल सिग्नल आर रिप्रेजेंटेड इन द डिकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, ध्यान रखना। तो जो भी आपका कंट्रोल सिग्नल होता है किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है? डिकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, मीन्स 1010 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। दैट इज द वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल। दैट दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल। सपोज इफ यू वॉन्ट टू जनरेट द वन कंट्रोल सिग्नल, तो नंबर ऑफ बिट आर रिक्वायर्ड, कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी? देर आर एन बिट आर रिक्वायर्ड। अगर आपको एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट? वन बिट आर रिक्वायर्ड। सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल, इसका सिंपल सा मतलब है अगर आपको एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट आर रिक्वायर्ड इज वॉट? वन बिट। अगर आपको टू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं, सी एस मीन्स कंट्रोल सिग्नल, तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट? टू बिट। इफ यू टॉक अबाउट द एन कंट्रोल सिग्नल आपको जनरेट करने हैं, आपको, तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट? एन बिट रिक्वायर्ड, एन बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो सेम यहाँ पे लिखा है, एन कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड टू एन बिट ऑफ इनकोडिंग, ध्यान रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है आपका? वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल, ये ध्यान रखना, वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल। मान लो आपको 100 कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट आर रिक्वायर्ड इज वॉट? 100 बिट्स, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आपका? वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल। उसका सिंपल से मतलब है कि n कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड, n बिट ऑफ व्हाट? इनकोडिंग। कि मीन्स अगर आपको एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने तो नंबर ऑफ बिटा रिक्वायर्ड इज 1, अगर टू जनरेट करने तो नंबर ऑफ बिटा रिक्वायर्ड इज व्हाट? 2। अगर इसी तरह आपको 50 कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिटा रिक्वायर्ड इज व्हाट? 50, 100 तो 100 एंड सो ऑन। इसी वजह से एक जनरल फार्मूला बना दिया गया आपका, n कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर n बिट ऑफ व्हाट? इनकोडिंग। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है आपका? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द व्हाट? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, सेकेंड टाइप आपका है। इसमें कितने बिट रिक्वायर्ड होते हैं, ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग,
पॉइंट देखो आपका लिखा है, इन केस ऑफ द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल सिग्नल आर रिप्रेजेंटेड इन द इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, दैट मीन्स एन कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड लॉग एन बेस टू बिट इनकोडिंग। ध्यान रखना सिंपल सा इस कहने का मतलब है, अगर आपको एन कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट लॉग बेस टू एन, राइट। ध्यान रखना अगर आपको एन कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट लॉग एन बेस टू। अगर मैंने बोल दिया आपको टू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं, टू कंट्रोल सिग्नल बोल दिया हमने, तो टू कंट्रोल सिग्नल आपको जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो बिट। तो देखो बेस टू पावर तो क्या होगा आपका, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, एंड बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट वन। अगर आपको दो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट वन बिट। इसी तरह अगर मैं बोल दूँ इसको आपको हॉरिजॉन्टल से करने तो वहाँ पे नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड जो टू हो जाएगा, अगर दो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो वहाँ पे कितने बिट की रिक्वायरमेंट थी, दो, बट यहाँ पे कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, वन बिट की। अगर मैंने बोल दिया आपको फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं, फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट आर रिक्वायर्ड इज वॉट इन केस ऑफ द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो फार्मूला लगा दो आप लॉग टू, वैल्यू कितनी थी आपकी, फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने, तो ये लिख लो। अब किसको क्या लिख सकते हो आप, लॉग टू, टू टू पावर टू लिख सकते हो, तो टू को क्या करो आप आगे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, लॉग टू टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टू क्रॉस वन, तो कितने हो जाएंगे आपके, टू। तो अगर आपको फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट, टू। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट कितनी नीड हो रही है आपकी, लेस होती जा रही है एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ध्यान रखना तो हॉरिजॉन्टल में अगर आपको फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट फोर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगर आपको फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने हैं तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट जस्ट हाफ। दैट मीन्स अगर हम साइज की बात करें तो किसकी साइज आपकी बड़ी होगी, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग के। ध्यान रखना तो देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जिसकी लेंथ क्या है आपकी, बिगर है एज कम्पेयर टू द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बिट आर रिक्वायर्ड इज मोर एज कम्पेयर टू द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ध्यान रखना ये सेकेंड आपका क्या है, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ध्यान रखना तो इसमें लेंथ क्या होगी आपकी, स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इज वॉट लेस टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। तो दो कॉन्सेप्ट थे आपके किसके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग के। ध्यान रखना दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस टू एन, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बिट्स हो जाएगा, इसको याद रखना फॉर द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या था आपका, वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल, वन बिट पर कंट्रोल सिग्नल, ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए था, और लॉग बेस टू एन। ध्यान रखना आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मेमोरी होगा, व्हाट इज द मेमोरी एंड व्हाट इज द मेमोरी हायरार्की एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेमोरी, कितने टाइप के होते हैं आपकी, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ये सारे पॉइंट को देखेंगे। आपका जो मेमोरी पार्ट है कहाँ पे, एक्चुअली दिस इज योर मेमोरी राइट, कि वॉट इज द मेमोरी एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेमोरी एंड हाउ यू टू ड्रॉ द मेमोरी हायरार्की राइट, तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट आपका लेक्चर किस पे होगा, आपका मेमोरी हायरार्की पे होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।